फिल्म मेकिंग में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, कैमरा एंगल्स और साउंड। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक कैमरा एंगल्स के बारे में जो हर एक फिल्म में आपने देखे ही होंगे और ये ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि ये ऑडियंस को एक फील लाते हैं एक सीन का। सबसे पहले आता है इस्टेब्लिशिंग शॉट। ये शॉट बेसिकली एक सीन को इस्टेब्लिश करने के लिए होता है, मतलब इस शॉट में सीन का पूरा मेन लोकेशन दिखाया जाता है। जैसे कि अगर कोई कॉलेज का सीन आने वाला है तो कॉलेज का पहले पूरा शॉट दिखाया जाता है जिससे ऑडियंस के दिमाग में सीन रजिस्टर हो जाता है और पता लग जाता है कि नेक्स्ट जो कुछ भी हो रहा है वो एक कॉलेज के अंदर ही हो रहा है। ऐसे आपने कई एग्जांपल आपने देखे होंगे कई सारी मूवीज़ के अंदर। फुल शॉट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है फुल शॉट में फुल बॉडी को शूट किया जाता है। ये इसलिए होता है ताकि एक्टर का फुल शॉट में सारे मूवमेंट और जेस्चर दिख सकें और बैकग्राउंड भी उसमें दिख सके कि वो कहाँ पे हो रहा है ये सीन। मीडियम शॉट, मीडियम शॉट होता है जिसमें एक्टर का शॉट उसके नीज़ के ऊपर तक लिया जाता है, जिसमें बैकग्राउंड और एक्टर के मूवमेंट कैप्चर किए जाते हैं और इमोशन भी कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। क्लोज शॉट, क्लोज शॉट और क्लोजअप शॉट। क्लोज शॉट में फेस का क्लोजअप आता है जो रिएक्शन इमोशन को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। ये इमोशन को क्लियरली दिखाने के लिए बिना किसी बैकग्राउंड के डिस्ट्रैक्ट हुए और कुछ फेस एक्सप्रेशन दिखाने के लिए ही होता है। एक्सट्रीम क्लोजअप, ये एक्सट्रीम क्लोजअप होता है किसी स्पेसिफिक डिटेल को दिखाने के लिए, जैसे कि एक्टर की आईज या एक्टर के लिप्स। ये शॉट बहुत ही कम और छोटे छोटे सीन्स में आपने देखा ही होगा, इसे क्रिएटिवली यूज़ करना चाहिए। अगर ये सही जगह पे शूट या एडिट नहीं किया गया तो ये अननोटिस्ड हो जाता है और कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है इसका मूवी के अंदर। अप शॉट, ये शॉट एक्टर को पावरफुल और डेंजरस दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा विलन्स की ज़्यादातर एंट्रीज इस एंगल्स में दिखाई जाती है, इसे अप शॉट कहते हैं। इसमें कैमरा आई लेवल से नीचे रखा जाता है और ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाया जाता है। डाउन शॉट, ये शॉट उल्टा है अप शॉट से, ये ऊपर से नीचे की तरफ शॉट लिया जाता है। इसे पावरलेस और डरा हुआ या कमज़ोर दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने कई मूवीज़ में देखा ही होगा कि जब भी आप कोई इस तरह का शॉट देखते हो तो आपको बहुत ही पावरफुल वो इंसान लगता है सीन के अंदर और डरावना लगता है आपको ये घर इस शॉट के ज़रिए। और अगर आप ये वाला शॉट देखते हो डाउन शॉट तो आपको लगता है कि वो बहुत ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है और पावरलेस फील कर रहा है इस टाइम पर। बिहाइंड द शोल्डर, ये यूज़ होता है कन्वर्सेशन दिखाने के लिए। ये क्लोज और मीडियम शॉट हो सकता है। सीन में अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कैमरा एक कैरेक्टर के शोल्डर के पीछे से दूसरे कैरेक्टर का शॉट किया जाता है। ये कन्वर्सेशन के लिए मेनली यूज़ होता है कि इससे पता लगता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा है। टू शॉट, टू शॉट में एक्टर सेम शॉट में दिखाए जाते हैं। यह शॉट उनका आपस में क्या रिलेशन है या दोनों कैरेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है या उनकी पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ हो सकता है। टू शॉट, थ्री शॉट या फोर शॉट, इसमें आपके सारे कैरेक्टर एक सीन में आपको दिखेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू, ये शॉट लिया जाता है ये दिखाने के लिए कि हमारा एक्टर क्या देख रहा है और इससे पता लगता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम पे वो क्या देख रहा है। और ये शॉट लिया जाता है एक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को पब्लिक के साथ जोड़ने के लिए। वैसे तो बहुत सारे शॉट्स हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन ये जो बेसिक शॉट्स हैं ये हर एक मूवी में आपने देखे ही होंगे। आपको मूवीज़ के बारे में अगर और भी जानना है तो आप ये वीडियोज़ और भी देख सकते हैं जो अभी स्क्रीन पे आ जाएंगी, और प्रोडक्शन पाइपलाइन का प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं जिसमें एक पूरी मूवी का स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे काम किया जाता है वो सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं ऐसी और भी बातें करता रहूँगा VFX के लिए, कैमरा एंगल्स के लिए, शूटिंग के टाइम पर क्या क्या हमें करना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।